अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैंडबॉक्स की टाइप्स। तो सैंडबॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो SEO कम्युनिटी में अभी तक भी बहुत कम लोगों को जो है इसकी समझ आई है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में कन्फ्यूज रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सैंडबॉक्स की तीन टाइप्स होती हैं, एक वेबसाइट सैंडबॉक्स होता है, एक पेज एंड पोस्ट सैंडबॉक्स होता है, और एक कीवर्ड सैंडबॉक्स होता है। तो वेबसाइट सैंडबॉक्स में ये होता है कि पूरी वेबसाइट जो है वो गूगल का एक पेनल्टी है जो न्यू वेबसाइट के लिए, तो उसके अंदर वो चली जाती है और वो 2-3 माह तक कोशिश करते हैं कि उसे वहाँ ही रखें। अगर वो वेबसाइट सही तरीके से उस पर वर्क नहीं किया जाता तो वो वहाँ पे ही रहती है। तो ये जिन वेब जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं, या जिन वेबसाइट की स्पामी बैकलिंक प्रोफाइल होती है, या जिन पे नेगेटिव एसईओ वगैरह हो जाए, तो उनके 80-90 हज़ार बैकलिंक्स बन जाते हैं, 20-30 हज़ार बैकलिंक्स बन जाते हैं, तो उनका कोई भी कीवर्ड रैंक नहीं होता और गूगल उन्हें अपने इंडेक्स में उसे मार्क स्पाम काउंट करता है। मतलब कोई भी न्यू चीज़ पोस्ट की जाए ज़्यादातर तो वो इंडेक्स ही नहीं होता और मैनुअल पेनल्टीज लग जाती हैं उसके ऊपर। उसके बाद पेज एंड पोस्ट सैंडबॉक्स, ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज एसईओ के ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाए तो होता है, या कोई न्यू वेबसाइट हो तो उसके जो न्यू पोस्ट वगैरह होती हैं वो रैंक नहीं होती, या आपकी बैकलिंक प्रोफाइल वीक हो तो इस वजह से होता है। उसके बाद कीवर्ड सैंडबॉक्स में ये होता है कि हमारा कोई मखसूस कीवर्ड जो है वो ज़्यादातर हम अपने एक प्राइमरी कीवर्ड को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाता है और गूगल उसे सैंडबॉक्स में फेंक देता है। उसके जितने भी LSI कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उन पे तो हम रैंक कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन कीवर्ड होता है उस पे हम कहीं नहीं शो होते। तो इसकी वजह ये होती है कि ऑन पेज SEO ओवर ऑप्टिमाइज हो जाती है, या जो बैक लिंक दे रहे होते हैं हम उसे एक्सटर्नली जो बैक लिंक्स उसके साथ लिंक हो रहे होते हैं उनका एंकर टेक्स्ट ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज हो जाता है। मतलब हम उसकी रेशियो का ख्याल नहीं रखते, जिस वजह से वो पेनलाइज हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि हमारे कीवर्ड जो हैं या हमारा आर्टिकल या वेबसाइट वो सैंडबॉक्स में है। अल्लाह हाफिज़।